हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजना और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में, ऐसे संकेतों के बारे में जो ये बताते हैं कि हमारी जो किडनी है, गुर्दा है, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, उसमें किसी न किसी तरह की दिक्कत हो रही है। तो अगर शुरुआत में आपको ऐसे लक्षण दिख रहे हैं जिनके बारे में भी हम बात करेंगे, तो वहाँ पर आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। क्योंकि अगर आपने इन लक्षणों को नज़रअंदाज कर दिया तो फिर यही आगे चल के आपके लिए ऐसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ पैदा कर सकते हैं जिनमें में डॉक्टर यही बोलते हैं कि आपकी किडनी खराब हो चुकी है। तो अगर हम शुरुआत में ही इसके लक्षण पहचान लें तो जो बाद में क्रिटिकल कंडीशन होने वाली है, गंभीर समस्या होने वाली है, उससे पहले ही हम खुद को बचा सकते हैं। नॉर्मली अगर किसी को मान लीजिए बुखार आ रहा है, तो बुखार आता है तो व्यक्ति करता क्या कि बगल का कोई भी मेडिकल स्टोर है वहां से जाके दवा लेके खा लेता है। अब अगर बुखार ठीक हो गया तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर फिर से उसको बुखार आ गया 2 दिन के बाद, तब वहां पर उसको मेडिकल स्टोर नहीं जाना चाहिए बल्कि एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। क्योंकि अगर ये बुखार वाली समस्या हो रही है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हो सकता है व्यक्ति के शरीर में किसी भी तरह कोई संक्रमण हो रहा हो, उसका जो लीवर है उसमें किसी भी तरह का संक्रमण हो रहा हो, या फिर किडनी में किसी भी तरह का संक्रमण हो रहा हो, या फिर कोई उसको वायरल इन्फेक्शन हो रहा हो। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर व्यक्ति को बुखार ही आ रहा है तब वो डॉक्टर के पास जाए। इसी तरह से बहुत सारे लक्षण होते हैं जो शरीर में दिखाई देते हैं, लेकिन अगर ये लक्षण बार बार हो रहा है, बार बार ये चीज हो रही है, तो फिर वहां पे हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर किसी को बार बार सर दर्द की समस्या हो रही है, सर दर्द हो रहा है, फिर ठीक हो जा रहा है, फिर हो रहा है, तो डॉक्टर के संपर्क करना चाहिए। अगर बार बार उसको सर्दी जुकाम की समस्या हो रही है, बार बार उसको खांसी की समस्या हो रही है, बार बार उसको पैरों में झुंझुनाहट की समस्या हो रही है, बार बार उसको चक्कर जैसे आ रहे हैं, तो फिर वहां डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर एक बार हो रहा है तो नॉर्मल आप इग्नोर कर सकते हैं, 2 बार हो रहा है तो भी आप नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 बार से अधिक बार हो रहा है तो फिर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किडनी की, किडनी में अगर किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो शुरुआती उसमें कुछ लक्षण दिखते हैं जो आगे चल के व्यक्ति के लिए गंभीर समस्या बना देते हैं। तो अगर हम बात करें कि शुरुआत में किडनी में कौन से लक्षण दिखते हैं जिससे हम उनको पहचान सकते हैं कि हमारी किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो फर्स्ट है इसमें यूरिनेटिंग, मतलब कि अगर व्यक्ति को बहुत अधिक बार टॉयलेट के लिए जाना पड़ रहा है, वो भी कब, रात में एट नाइट। हम दिन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे रात की बात कर रहे हैं कि अगर रात में व्यक्ति को 4 बार से अधिक बार टॉयलेट के लिए जाना पड़ रहा है, इसका मतलब कि उसकी जो किडनी है उसमें किसी न किसी तरह की गड़बड़ी हो रही है, किडनी स्वस्थ नहीं है। वो ये संकेत दे रही है कि उसमें किसी भी तरह की कोई बीमारी अब घर कर रही है, कोई भी समस्या उसमें उत्पन्न हो रही है। अगर मौसम की बात करें तो ठंडियों में व्यक्ति को अधिक बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, ये नॉर्मल होता है, या फिर अगर व्यक्ति ने रात में सोते समय दूध पी लिया है, पानी पी लिया है, तो इसकी वजह से भी उसको रात में कई बार टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है। लेकिन अगर व्यक्ति किसी भी तरह की कोई लिक्विड डाइट नहीं ले रहा है, कोई दूध नहीं पी रहा है, पानी नहीं पी रहा है, मौसम भी ठीक है, लेकिन फिर भी उसको बार बार यूरिन के लिए रात में जाना पड़ रहा है, 4 बार से अधिक बार जाना पड़ रहा है, तो फिर ये सही नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, वहां पर फिर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ती है। तो ये शुरुआती लक्षण है, इनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इसमें क्या है, स्वेटिंग, मतलब अगर व्यक्ति को बहुत अधिक पसीना आ रहा है, लेकिन ये पसीना दिन में नहीं बल्कि रात में आ रहा है, अगर रात में व्यक्ति को बहुत अधिक पसीना आ रहा है, इतना पसीना आ रहा है कि जो उसने कपड़े पहने हुए हैं वो गीले हो जा रहे हैं, तो फिर वहां पे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, ये नॉर्मल नहीं है। क्योंकि जब व्यक्ति की किडनी अच्छे से काम नहीं करती है, या फिर उसमें किसी भी तरह का कोई एबनॉर्मलिटी हो जाती है, कोई गड़बड़ी हो जाती है, तो उसका फिल्ट्रेशन सबसे पहले बाधित होता है। क्योंकि उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है, सबसे महत्वपूर्ण काम है किडनी का, वो क्या है, फिल्ट्रेट करना, वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करके शरीर से बाहर निकालना, अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। लेकिन जब किडनी का काम अच्छे से नहीं होगा तो वो शरीर के जो भी खराब मटेरियल है, खराब तत्व है, उनको बाहर नहीं निकाल पाएगा, तो जितने वेस्ट होते हैं उनमें वेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिएटिनिन। तो ये जो क्रिएटिनिन होता है, इसको किडनी शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती, और जब हमारे ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ने लगता है तो उसकी वजह से शरीर का टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है, और व्यक्ति को एक्सेसिव स्वेटिंग की समस्या होती है, वो भी रात में। तो अगर रात में व्यक्ति को बहुत अधिक पसीने की समस्या हो रही है, तो वहां पे उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट इसमें क्या है,
लेग पेन। तो लेग पेन क्यों होगा, पैरों में दर्द क्यों होगा, पैरों में दर्द की जो समस्या होती है ये भी रात में ही होती है। दिन में तो होती है तो व्यक्ति क्या करता है नजरअंदाज कर देता है, लेकिन अगर रात में भी पैरों में दर्द की समस्या हो रही है, वो भी स्पेशली जो एड़ी वाला हिस्सा है, अगर वहां पे दर्द की समस्या हो रही है तो आप इजीली समझ सकते हैं कि आपकी किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है और इसलिए आपके शरीर में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ गया है। क्रिएटिनिन का लेवल जब भी शरीर में बढ़ता है उसकी वजह से पैरों के निचले हिस्से में दर्द होता है, जो पंजे होते हैं या फिर जो एड़ी होती है वहां पे दर्द होता है, क्योंकि क्रिएटिनिन बढ़ने की वजह से जो पैर होते हैं वहां पे ब्लड सर्कुलेशन भी बाधित होता है, क्योंकि वहां पे क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ है। दूसरा, वहां पे फ्लूइड अक्यूमुलेशन होने लगता है और इस वजह से व्यक्ति जब भी बेड पे जाता है सोने के लिए उस दौरान उसको पैरों में दर्द की समस्या होती है। तो ये भी साधारण लक्षण नहीं है, नॉर्मल लक्षण नहीं है। अगर ऐसा होता है, बार बार आपको ये समस्या होती है कि आपको दो दिन चार दिन पे पैर दर्द की समस्या हो रही है, तो फिर वहां पे आपको डॉक्टर संपर्क करना चाहिए। यहाँ पे आपको इस भ्रम में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि मैं भी कमजोरी की वजह से ऐसा हो रहा है या फिर अधिक काम करने की वजह से ऐसा हो रहा है या फिर ज्यादा देर खड़े रहने की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर पैरों में समस्या है तो डॉक्टर से आपको संपर्क करना है, क्योंकि हो सकता है कि अगर क्रिएटिनिन का लेवल नहीं बढ़ा है तो हो सकता है कोई और समस्या हो, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड समस्या हो, या फिर हो सकता है कि आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हो, कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो, तो वहां पे डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। नेक्स्ट इसी में क्या है, उल्टी, मतलब कि अगर व्यक्ति को उल्टियां हो रही हैं और ये जो उल्टियां हैं वो रात में हो रही हैं, स्पेशली रात में। जब व्यक्ति रात में खाना खाने के बाद सोने के लिए जाता है, अगर उस दौरान उसको ऐसा महसूस होता है कि उसका जी मिचला रहा है, उसको उल्टियां होंगी, तो आप बिना किसी टेस्ट के ही ये समझ सकते हैं कि आपको पक्का किडनी की समस्या है। कभी कभी क्या होता है कि जो लीवर होता है, लीवर में अगर प्रॉब्लम होती है तो उस दौरान भी उल्टी की समस्या व्यक्ति को होती है, कि उसको खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, खाना उसको उल्टी होना लगता है, जैसे ही वो खाना खाएगा, खाना खाने के बाद उसको ऐसा महसूस होता है कि उसको उल्टी हो जाएगी। लेकिन ये जो उल्टियां होती हैं ये दिन या रात कभी भी हो सकती हैं, लेकिन अगर रात में हो रहा है तो समझिए कि किडनी की प्रॉब्लम है। अगर दिन में हो रहा है या फिर रात में हो रहा है, कभी भी हो रहा है 24 घंटे के अंदर, तो ये लीवर की समस्या है। लेकिन अगर रात में हो रहा है तो किसकी समस्या है, किडनी की समस्या है। तो यहाँ पे बिना देर किए हमको डॉक्टर से संपर्क करना है, डॉक्टर से अपना डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाना है। नेक्स्ट क्या है, हाई बीपी, मतलब कि अगर आपका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा हुआ आ रहा है, इसका मतलब कि आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है। लेकिन ये जो ब्लड प्रेशर की समस्या है, ये हो सकता है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हो, या फिर हो सकता है स्ट्रेस की वजह से हो, या फिर हो सकता है कि ओबेसिटी की वजह से हो, या फिर हो सकता है कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती है जिनका यूज करने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, या फिर कुछ ऐसी कंडीशन भी होती है, जैसे अगर फीमेल है, अगर वो प्रेग्नेंट है, तो हो सकता है प्रेगनेंसी की वजह से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हो। तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि उसकी किडनी में दिक्कत हो रही है। अगर ब्लड प्रेशर रात में बढ़ा हुआ आ रहा है तब वहां पे समझते हैं कि यहाँ पे मे बी किडनी की समस्या हो सकती है। नॉर्मल व्यक्ति में क्या होता है कि अगर कोई भी ब्लड प्रेशर का व्यक्ति है जिसकी बीपी हमेशा हाई रहती है, उनका आप देखेंगे कि जब वो सोते हैं उस दौरान बीपी कम हो रहता है, लो हो जाता है। लेकिन अगर व्यक्ति का बीपी रात में सोते समय भी बढ़ा हुआ है, इसका मतलब कि उसकी किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है, और जब किडनी का फिल्ट्रेशन अच्छा नहीं होगा तो जो भी हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जिसमें जैसे क्रिएटिनिन हो गया, यूरिया हो गया, सोडियम हो गया, इनका लेवल कंटिन्यू बढ़ता रहेगा, क्योंकि किडनी इनको शरीर से बाहर नहीं कर पा रही है। और जब कंटिन्यू इनका लेवल बढ़ेगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लड वेसल्स होती है उनमें ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और जब इसमें इकट्ठा होगा तो जो ब्लड वेसल्स का रास्ता है ये कैसा होगा, संकरा हो जाएगा, और संकरा होने की वजह से जो ब्लड है वो अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा। अब जब ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा तो ये जो ब्लड बह रहा है इसका जो प्रेशर है इन पे बढ़ जाएगा, जो ये ब्लड वेसल्स की वाल होती है, दीवार होती है, उन पे ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, और इस वजह से व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हमेशा हाई आएगा। तो अगर किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर रात में सोते वक्त भी बढ़ा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है, ये संकेत है इस बात का कि व्यक्ति किडनी अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। जो भी शरीर का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, अवशिष्ट पदार्थ होता है, उसको शरीर से बाहर नहीं निकाल पा रही है। तो अगर किसी भी व्यक्ति में ये पांच लक्षण में से कोई भी लक्षण दिख रहा है,
है और लंबे समय तक ये दिख रहा है तो वहाँ पे उसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये किडनी खराब होने के सबसे प्रारंभिक लक्षण होते हैं, शुरुआती लक्षण होते हैं। तो अगर हम इनको शुरुआत में ही ध्यान दे दें, शुरुआत में ही इनका हम उचित उपचार करवा लें, तो आगे जो किडनी से संबंधित समस्या होने वाली है उससे हम बच सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।